परमात्मा को याद करने लगी। तो आज वो कुम्हारी किस प्रकार से प्रभु को याद कर रही है।
वो कुम्हारी प्रभु को पुकारने लगी। तो जैसे ही आज उस कुम्हारी ने प्रभु को पुकारा, उसी रास्ते से बेटा प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही बेटा प्रहलाद ने विष्णु भगवान का नाम सुना, तो उसी समय आज बेटा प्रहलाद उसी कुम्हारी के पास में पहुंचे, तो क्या देखा कि वो कुम्हारी विष्णु भगवान को पुकार रही है। जैसे ही आज बेटा प्रहलाद ने ये हाल देखा, बेटा प्रहलाद समझा करके कहने लगे कि हे कुम्हारी, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि हमारे पिताजी का ये ऐलान है कि हमारे राज्य में जो भी हमारे वैरी विष्णु का नाम लेगा वो सजाए मौत पाएगा, और आप फिर भी हमारे पिताजी के शत्रु का नाम लेकर के उन्हें पुकार रही हो। आपको हमारे पिताजी का जरा भी भय नहीं है। जैसे ही इतनी बात आज उस कुम्हारी ने सुनी, आज वो कुम्हारी रो करके कहने लगी कि बेटा हमसे धोखे में हमारे बिल्ली के बच्चे इस हवा में दब गए हैं और हवा में अग्नि प्रवेश हो चुकी है, और अपने बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए हम उस परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं। जैसे ही इतनी बात प्रहलाद ने सुनी, प्रहलाद जी कहने लगे कि कुम्हारी, क्या वो भगवान इतने पागल हैं जो आकर के तुम्हारी इस हवा में जलेंगे? हाँ, यदि आप हमारे पिताजी को पुकारती तो हमारे पिताजी तुम्हारी इस हवा को एक तरफ फेंक करके तुम्हारी बिल्ली के बच्चों को जरूर बचा लेते। ये बात सुनकर के वो कुम्हारी कहने लगी कि वो विष्णु भगवान हमारे बिल्ली के बच्चों को जरूर बचाएंगे। प्रहलाद जी कहने लगे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर, तो उसी समय उस कुम्हारी ने कहा कि यदि हमारे बिल्ली के बच्चे बच जाएं तो आप भगवान विष्णु जी के नाम का एक जयकारा लगा जाना, और यदि नहीं बचे तो आप सुबह आकर के हमारे प्राणों को ले जाना। इधर प्रहलाद जी ने कहा कि ये हवा कब खुलेगी? कुम्हारी कहने लगी कि ये हवा सुबह खुल जाएगी, तो आप सुबह ही आ जाना। इधर बेटा प्रहलाद आज वहां से वापस लौट गई, और इधर वो कुम्हारी प्रभु से आराधना करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमारे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। इधर नींद प्रहलाद जी को भी नहीं आ रही थी, विचार करने लगे कि क्या उस कुम्हारी के बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। इधर नींद उस कुम्हारी को भी नहीं आ रही थी, सारी रात वो कुम्हारी प्रभु से आराधना करने लगी, और आज वो मैया रोकर के क्या बोली है। मेरी असुवन से भीगी गई साड़ी, मेरी असुवन से भीगी गई साड़ी, सवरिया गिरधारी,
प्रकार से आज वो कुम्हारी सारी रात प्रभु से आराधना करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमारे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, नहीं तो बेटा प्रहलाद सुबह आकर के हमारे प्राणों को ले जाएंगे। इधर नींद प्रहलाद जी को भी नहीं आ रही थी। प्रहलाद जी भी यही विचार करने लगे सारी रात कि पता नहीं उस कुम्हारी के बिल्ली के बच्चे बच्चे भी होंगे या नहीं। इधर जैसे ही प्रातःकाल हुआ, भास्कर देव ने अपनी अखियों को खोला तो उसी समय बेटा प्रहलाद अपने हाथों में तलवार लेकर के उसी कुम्हारी के दरवाजे पर आई, आवाज लगाई तो एकदम से वो कुम्हारी दरवाजे पर आई, क्योंकि वो कुम्हारी सोई ही नहीं थी। रात भर उस कुम्हारी को इसी उलझन में निकल गई कि हे प्रभु, हमारे बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। जैसे ही आज बेटा प्रहलाद ने आवाज लगाई तो उस कुम्हारी ने एकदम दरवाजा खोल दिया और बेटा प्रहलाद कहने लगे कि चलो और उस सभा को खोलो। तो उसी समय आज वो कुम्हारी अवा की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगी। इधर कुम्हारी के मन में वही प्रभु से प्रार्थना, वही प्रभु की लगन, कहे प्रभु हमारे बिल्ली के बच्चों को बचा लेना, आगे बढ़ती जा रही है। और जैसे ही अवा के पास में आई और अवा को आज किस प्रकार से उस कुम्हारी ने खोला है, कि हरि गुण गाई रही, कि हरि गुण गाई रही, कुमारी को लती जाती आवा को हरि गुण।
आज उस कुम्हारी ने प्रभु का नाम लेकर के जैसे ही उस अवा को खोलना शुरू किया तो क्या देखा कि संपूर्ण अवा पक चुकी है और वो ही चार बर्तन कच्चे रह गए जिसमें कि वो बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। आज जैसे ही उस कुम्हारी ने ऐसा चमत्कार देखा तो प्रहलाद जी से कहा कि बेटा प्रहलाद, अब आप ऐसा करिए कि इन बर्तनों को आप ही उठा लीजिए। उसी समय आज बेटा प्रहलाद ने जैसे ही उन बर्तनों को उठाया तो क्या हुआ, घट उठते ही घट पलट गया, घट घटते हुए फुलवारी के घट घट वासी की महिमा से बच गए। जीवित बच जाते हैं। जैसे ही ऐसा चमत्कार बेटा प्रहलाद ने देखा उसी समय बेटा प्रहलाद उसी कुम्हारी के चरणों में गिरकर के क्षमा याचना करने लगे और कहा कि माँ हमें क्षमा कर दीजिए। आज ये बात हमारी समझ में आ गई है कि हमारे पिताजी क्या है और वो परम पिता परमात्मा क्या है। उसी दिन से बेटा प्रहलाद के ऊपर भगवान के नाम का पूरा भूत सवार हो गया और प्रतिदिन की तरह फिर से बेटा प्रहलाद स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे। तो एक समय स्कूल के जो अध्यापक थे उन्हें कहीं बाहर जाना था तो उसी समय अध्यापकों ने बेटा प्रहलाद से कहा कि बेटा आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ऐसा करना इन बच्चों को इमला बोल देना। प्रहलाद जी कहने लगे कि जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा आप जाइए। इतना कह करके आज बेटा प्रहलाद अपनी क्लास में आए और बच्चों से कहा कि खोल लो अपने अपने पत्रा और लिखो जो हम लिखवाएं। तो आज बेटा प्रहलाद ने पत्रा में क्या क्या लिखवाया है सभी भक्त जन मिल करके बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय Thank you.
जी ने सभी पट्टियों पर राम ही राम लिखवा दिया और जैसे ही गुरु जी आए तो उन पट्टियों को एकत्रित करके आज प्रहलाद गुरु जी के पास में लेकर के पहुंचे और जैसे ही गुरु जी ने उन पट्टियों पर राम ही राम लिखा हुआ देखा तो उसी समय समझा करके गुरु जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद तुम्हें ये नाम किसने बताया है? ये तुम्हारे पिताजी के वैरी विष्णु का नाम है, आप कभी भी भूल करके ये नाम मत लेना। इस प्रकार से आज प्रहलाद जी के अध्यापक उन्हें समझाने लगे तो बेटा प्रहलाद समझा करके कहने लगे कि गुरु जी जिस नाम से हमारी श्वास जुड़ी हुई है आप उसी नाम को छोड़वाने के लिए कह रहे हो। हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु राम का नाम लेना हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत समझाया गुरुजी ने लेकिन जब वो नहीं माने उसी समय प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और हिरण्यकश्यप की कचहरी में लेकर के आया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या बात है? तो समझा करके अध्यापकों ने कहा कि महाराज आपके पुत्र ने आपके वैरी विष्णु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप चिंता ना करो, आप हमारे पुत्र को हमारे पास में छोड़ दो, हम अपने पुत्र को समझा देंगे। इधर अध्यापक प्रहलाद जी को छोड़ करके चले गए और इधर हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद को समझाने लगे कि आप ये नाम दोबारा मत लेना क्योंकि इसी भगवान विष्णु ने तुम्हारे चाचा जी को मारा है। आज जैसे ही ये बात प्रहलाद जी ने सुनी तो बेटा प्रहलाद जी समझा करके कहने लगे कि पिताजी, और समझा करके आज प्रहलाद जी क्या बोले हैं? जानी चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है। बेटा प्रहलाद जी जब नहीं माने तो उसी समय हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद को घसीटते हुए जैसे ही रानी कयाधु के पास में लेकर के जाने लगे तो रास्ते में सहिका मिल गई। सहिका ने कहा कि भैया आप हमारे भतीजे को घसीटते हुए कहां लेकर के जा रहे हो? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन इसने हमारे वैरी विष्णु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है और हम इसे मौत के घाट उतारने के लिए ले जा रहे हैं। सहिका ने कहा कि भैया हमारे भतीजे को आप हमारे पास में छोड़ दो, हम इसे समझा देंगे। इधर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को छोड़ करके वहां से चले गए और इधर सहिका अपने भतीजे को समझा करके कहने लगी कि बेटा प्रहलाद
अब आप ये नाम दोबारा मत लेना, क्योंकि तुम्हारे चाचा को इसी विष्णु ने मारा है। ये बात सुनकर के बेटा प्रहलाद कहने लगे कि बुआ, हमारे चाचा जी को तो इस परम पिता परमात्मा ने मारा है, लेकिन हमारे फूफा जी यानी कि आपके पति को तो स्वयं हमारे पिताजी ने अपने हाथों से मारा है, तो वो आपके शत्रु नहीं हुए। ये उस समय की बात है जिस समय हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किया था। उस समय सहिका ने घोषणा कर दी थी कि जो मनुष्य हमारे भैया हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में परास्त कर देगा, हम उसी के साथ में विवाह करेंगे। तो उसी समय सुयोग नगरिया का रहने वाला विप्रचित्र नामक एक राक्षस आया और उसने हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया और सहिका के साथ में विवाह किया और सहिका को अपने साथ ले गया। इधर बेटा प्रहलाद ने कहा कि बुआ, हमारे चाचा जी को तो परमपिता परमात्मा ने मारा है, लेकिन आपके पति को तो स्वयं हमारे पिताजी ने अपने हाथों से मारा है। और मारा कब था? जब उन्होंने जब विप्रचित नामक ने विप्रचित राक्षस ने उन्हें हराया कब था? जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किया था। और जैसे ही उन्होंने वरदान प्राप्त किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने बहनोई को ही मार दिया। तो यही बात प्रहलाद जी ने अपनी बुआ से कही कि बुआ, हमारे परमपिता परमात्मा आपके शत्रु हो गए, लेकिन आपके पति को तो आपके भैया ने अपने हाथों से स्वयं ही मारा है, फिर आपके शत्रु वो नहीं हुए। ये बात सुनकर के सहिका कहने लगी कि वास्तव में दुष्ट, तू तो मरने के योग्य ही है। उसी समय सहिका ने एक चिता छिनवाई और बेटा प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के उसी चिता पर बैठ गई। देखते ही देखते सहिका जलकर के राख हो गई और बेटा प्रहलाद पर कोई भी आंच नहीं आई। सहिका को ये वरदान लगा हुआ था कि सहिका दूसरों को तो जला सकती है, लेकिन वो स्वयं नहीं जलेगी। लेकिन वरदान देते समय प्रभु ने ये भी कहा था कि यदि आप इस वरदान का प्रयोग हमारे भक्त के ऊपर करोगी तो इसका उल्टा भी हो सकता है। सहिका ये बात भूल गई और उसी समय सहिका बेटा प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई और देखते ही देखते वो जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी का बाल भी बका नहीं हुआ। उसी समय प्रहलाद जी अपने पिताजी की कचहरी में आए और कहा कि पिताजी राम राम। जैसे ही ये देखा तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि दुष्ट मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया, इसने तो मेरी बहन भी मरवा दी और फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। उसी समय प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और रानी कयाधु के पास में लेकर के पहुंचे और रानी कयाधु से कहा कि रानी, आपके पुत्र ने विष्णु भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है, आप इसे समझा देना, यदि समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो ये लो जहर का प्याला इसे पिला देना। इतना कहकर के आज हिरण्यकश्यप वहां से चले गए। इधर रानी कयाधु प्रहलाद जी को समझाने लगी कि बेटा, आप ये नाम लेना छोड़ दो। जब इस प्रकार से कहा तो प्रहलाद जी समझा करके कहने लगे कि माँ, आप क्यों ये राम का नाम हमसे छुड़वा रही हो? और बेटा प्रहलाद समझा करके अपनी मैया से क्या बोले हैं?
लेकिन प्रभु श्री राम जी का नाम लेना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।